जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके साथ जूते चप्पल का एक ऐसा उपाय या टोटका लेके आई हूँ जिससे आपकी सोई भी किस्मत चमक जाएगी। दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहे, तो आप जूते चप्पल से ये टोटका करें, आपका जितना भी दुर्भाग्य है वो दूर चला जाएगा और सौभाग्य में बदल जाएगा, सोई किस्मत चमक जाएगी। जी हाँ, शनि के 7:30 ही ढैया चल रहे हैं, शनि का कुप्रभाव चल रहा है, राहु की दशा अच्छी नहीं है, तो आप ये जूते चप्पल का उपाय जरूर करें। जिंदगी में परिवर्तन अवश्य आएगा, फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा, स्वयं आप बोलेंगे कि आपने ये उपाय किया और इससे आपके जीवन में फर्क आया, परिवर्तन आया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है जूते चप्पल का ये टोटका। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जूते चप्पल को लांग कर नहीं जाना चाहिए, किसी के भी जूते चप्पल पड़े हो, आप जल्दी में हो या किसी भी वजह से आप लांग के चले जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, मगर हमें नहीं पता कि हमें वो क्यों मना करते हैं। ये कई कई चीजों पे हमें टोका जाते हैं, मगर आज जब हमारी स्थितियां खराब होती जब हमें पता चलता है कि क्यों और किस लिए ये सब चीजें कही गई हैं। तो जैसे कि अगर जूते चप्पल को लांगने से क्या होता है, किसी के जूते चप्पल पड़े हैं अगर आप लांग कर जा रहे हैं तो उसका जो दुर्भाग्य है वो आप अपने साथ ले जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग कर ना जाएं। दूसरा, कभी भी किसी के जूते चप्पल ना पहने। सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किसी कारणवश पहनना पड़ रहा है तो आप थोड़ी सी मिट्टी पहले जूते चप्पल पे छिड़क दीजिए, उसके बाद फिर आप किसी के जूते चप्पल पहने। वैसे तो कोशिश ये करें कि कभी भी किसी भी वजह से आप किसी के जूते चप्पल ना पहने। अगर आप पहन लेते हैं तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, आप उसके दुर्भाग्य को अपने साथ अपने समेट लेते हैं और वो भी आपको भोगना पड़ता है। आप अपने तो भोगते ही भोगने, साथ में दूसरे के भी कुकर्मों को आपको भोगना पड़ता है। मैं बता दूं कि जूते चप्पल जो होते हैं वो शनि और राहु का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए कि शनि आपके पैरों के नीचे की तरफ होते हैं, तो जब भी शनि की दशा चल रही होती है तो आपके पाँव में किसी तरह की परेशानियां जरूर होती हैं, किसी की पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, राहु की दशा चल रही होती है, ठोकरे बहुत लगती है, चोट लग जाती है, पैरों में दर्द रहता है, तो इस तरह की जब परेशानियां होती शनि और राहु की दशा चल रही होती है तो आपके पांव से जुड़े हुए जो जूते चप्पल है वो इन सब चीजों का प्रतीक माने जाते हैं। तो कभी भी आप किसी और के जूते चप्पल ना पहने। अब बात करते हैं कि किस रंग के जूते चप्पल पहनने चाहिए। तो जैसे कि आपने लाल रंग, कई लोगों को लाल रंग के जूते चप्पल पहने देखे होंगे, तो लाल रंग वैसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में आपका मंगल उच्च कोटि का नहीं है, मंगल की दशा चल रही है, तो आपको लाल रंग के जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो और भी आपके मंगल की दशाएं बेकार होने लगती हैं। दूसरा, पीले रंग के जूते चप्पल वो कभी भी नहीं पहनने चाहिए। ऐसा क्यों? पीला रंग हमारे बृहस्पति गुरु का होता है और बहुत ही शुभ कलर माना जाता है, शुभ रंग माना जाता है, तो इस रंग को कभी भी अपने पैरों में धारण ना करें। इससे आपका बृहस्पति नीच कोटि का हो जाता है, आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, व्यवसाय में आपके मंदी आने लगती है, आपके घर में धन का अभाव होने लगता है, तो कभी भी पीले रंग के जूते चप्पल का प्रयोग ना करें। दूसरा है काला रंग। काला रंग शनि का प्रतीक माना जाता है, जब आपकी शनि की दशा चल रही तो काले रंग के जूते चप्पल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम रहता है कि भूरे रंग के जूते चप्पल का प्रयोग करें, और चंद्रमा की दशा अगर अच्छी नहीं चल रही कुंडली में तो आपको सफेद रंग के जूते चप्पल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुक्र की दशा अच्छी नहीं है तो भी, तो सफेद रंग के जूते चप्पल का भी प्रयोग ना करें अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं। तो सबसे बेहतरीन है और सबसे उत्तम है कि आप भूरे रंग के जूते चप्पल का प्रयोग करें, जो हमेशा ही सर्वोत्तम रहता है। अब जो मैं आज आपके लिए उपाय लेके आई हूँ जूते चप्पल का, वो यह उपाय है, अगर आपकी शनि की दशा चल रही है, 7:30 ढैया चल रहे हैं, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप अपनी पहनी हुई चप्पल जिसे आप रेगुलर में पहनते हैं या जूते चप्पल जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं, आप वह जूता चप्पल किसी भी मंदिर में बाहर उतार के चले या फिर उस चप्पल जूते को आप किसी भी चौराहे पर उतार दें। ऐसा करके देखिए, आपके जीवन का जो भी दुर्भाग्य वो आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। और कहा जाता है जब इस तरह के टोटके किए जाते हैं और जो ये उठा के ले जाता है, जैसे कई लोग जूते चप्पल मंदिर से चुरा ले जाते हैं, तो वो आपके अगर जूते चप्पल ले जाते हैं तो आपका जो दुर्भाग्य वो आपकी जिंदगी से दूर चला जाता है और सौभाग्य में बदल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपकी जीवन में परेशानियां चल रही, जरूरी नहीं कि आपकी शनि की दशा चल रही है अच्छी है या बुरी है, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी है और जिस जूते चप्पल को पहनकर आप ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, आप उसी ही जूते चप्पल को मंदिर के बाहर जाके छोड़ें। और अगर ज्यादा परेशानी है तो अपने पुराने जूते चप्पल कोई भी आप चौराहे पे भी छोड़ दें। जूते चप्पल कभी भी आप किसी को ऐसा बेचे नहीं, आप किसी गरीब को दे दे पहनने के लिए, ठीक है? ऐसे डस्टबिन में या कूड़ेदान में कभी भी जूते चप्पल नहीं फेंकने चाहिए।
कई लोग जूते चप्पल बेच के जैसे वो छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को पहनने के लिए दे दीजिए, इससे आपके जीवन के जो कष्ट है और परेशानी वो दूर हो जाती है। और एक जूते चप्पल का मैं आपको प्रयोग बताने जा रही हूँ, उपाय ऐसा टोटका, अगर व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल ठप हो चुका है, कारोबार चलने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं रह गई है, और दुकान पहले तो बढ़िया चली थी मगर अब ऐसी दशाएं चल गई हैं, जीवन में ऐसी परेशानियां आ गई कि ग्राहक आ ही नहीं रहे, बिल्कुल ठप है दुकान, व्यापार बिल्कुल ठप है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, कोई भी तरक्की नहीं है बिजनेस में, तो आप क्या करें, अपनी क्षमता अनुसार एक नई चप्पल या जूता जो भी आप खरीद के लेके आए और उसे खरीद के लेकर आने के बाद किसी भी जरूरतमंद को या गरीब को वो चप्पल जूता दान कर दें, मगर उसको ऐसे देना नहीं है, आप उसको पहले दें और उसको बोले कि इसको पहने और पहन के कुछ कदम आपके सामने ही वो चले, उसको चप्पल अपनी दी हुई पहनाकर चलाइए, उसके बाद जब वो चप्पल पहन के चलेगा तो आप जानते हैं इससे क्या होगा, आपका जो व्यापार ठप है वो व्यापार चलने लगेगा, उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय आपने शनिवार के दिन करना है, कोई भी चप्पल या जूता आप लेकर आए, किसी भी रंग का, कोई इसमें कलर या फिक्स नहीं है कि इस रंग का लेके आना है, किसी भी रंग का ले लीजिए, अपनी क्षमता अनुसार में कोई भी नई चप्पल जरूर खरीदें या जूता और वो किसी भी जरूरतमंद को दे के उसे बोले चलने के लिए। छोटा सा ये उपाय है, चप्पल जूते का, जिंदगी बदल जाती है, इसलिए कि आपके पैरों से ही जुड़े हैं आपके अच्छे कर्म, जब पैर जहां पड़ते हैं, जिसे कहा जाता है कि इसका पैर पड़ा शुभ हो गया, इसका पैर पड़ा अशुभ हो गया, तो सब चीजें पैरों से ही जुड़ी होती हैं। तो छोटे से उपाय चप्पल जूते की जरूर करें, और कभी भी अपने जूते चप्पल जब उतारे तो जल्दबाजी में इधर उल्टा सीधा उतार के ना फेंके, उसे ढंग से तमीज के साथ अच्छे से अपने जूते चप्पल को हमेशा संभाल के रखें, और कोशिश ये करें कि किसी को भी अपने जूते चप्पल पैरों में ना पहने दें और ना कभी किसी के पहने। छोटा सा उपाय है, जिंदगी में परिवर्तन अवश्य आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह की नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।